भी आपसे कह रहा हूँ ठीक रहेगा, ये चालान भारी पड़ेगा आपको। अच्छा, आपका अगर मैं चालान करूंगा तो मेरे लिए भारी पड़ेगा? चालान भारी पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब नमस्कार आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। दोस्तों, राजस्थान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस चेकिंग के दौरान एक पल्सर बाइक पर युवक आता है, जिसे पुलिस हेलमेट ना पहनने की वजह से रोक लेती है। कानून का पालन कराती पुलिस को ये युवक हल्के में लेकर धमकी देना शुरू कर देता है। युवक पुलिस अधिकारी को बोलता है कि आपको ये चालान करना बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन मौके पर उस युवक को ही उसकी धमकी भारी पड़ जाती है और पुलिस युवक का चालान काटकर उसकी बाइक अपने कब्जे में ले लेती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस रोड पर कानून व्यवस्था संभालने के लिए चेकिंग कर रही होती है, तभी इस बिगड़ैल युवक से पुलिस का सामना होता है। दरअसल ये वीडियो राजस्थान पुलिस के द्वारा ही बनाई गई है। इस वीडियो को अलग अलग तथ्यों के साथ पेश किया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो की सच्चाई क्या है वो हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपसे कह रहा हूँ ठीक रहेगा, ये चालान भारी पड़ेगा आपको। अच्छा, आपका अगर मैं चालान करूंगा तो मेरे लिए भारी पड़ेगा? चालान भारी पड़ जाएगा। अच्छा, सर, मतलब नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, तो आपने तो ये पुलिस का लोगो भी लगा रखा है ना, हेलमेट लगा रखी है और लॉकडाउन भी लग रहा है। अरे सर, आप एक बार बात तो करिए, बात करने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? और बात करोगे तो पता चल जाएगा कि मास्क क्यों नहीं पहन रखा है, हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा है। और सर रहने दो, चालान भारी पड़ जाएगा। और बता दूं सर, कुछ नहीं रखा है इन मास्क में और हेलमेटों में। साइड में लीजिए, आपके पीछे ट्रैफिक को हो रहा है, देखिए। या गाड़ी से उतरिए, फोन बाद में आप यूज लें। सर बात तो कर लो एक बार। तो आप पहले गाड़ी से उतरिए तो सही, आपने पुलिस का लोगो लगा रखा है और आप। अरे सर, मिलने वाले की गाड़ी है। मिलने वाले की गाड़ी है, आप ये तो बताइए कि आप आ कहाँ से रहे हैं और बिना हेलमेट? सर, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ सर। तो ऑफिस से आ रहे हैं तो आपको किसी ने परमिटेड कर रखा है क्या कि आप बिना हेलमेट के आएंगे? लेट हो गया था मैं, इसलिए ऑफिस से आ रहा हूँ। आप बात कर लो सर। नहीं, बात किससे कर लो? आप बात तो करो। चलो, आप तो कागज निकालिए, मैं बात कर लूंगा। आप कागज निकालिए पहले। सर एक मिनट बात करना। अरे भाई साहब, आप कागज। सर बात तो, आप एक बार रखिए। सर बात कर लो, मैं कह रहा हूँ आप इसको रखिए। सर बात तो करिए आप एक बार। ये मैं आपका सीज कर लूंगा, अगर दोबारा आपने मुझे बात करने के लिए कहा सीज कर लूंगा मैं। आप नीचे उतरिए, इधर साइड में आइए। क्या नाम है आपका? सर बात कर लो ना सर। अरे मैं आपको नाम पूछ रहा हूँ भाई, क्या नाम क्या आपका? सर बात कर लो आप। सर मैं स्टाफ से हूँ। और अरे भाई, स्टाफ से तो आपको कह रखा है कि आप हेलमेट के बिना गाड़ी चलाएंगे और लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे। सर ऑफिस से लेट हो गया था, बाकी मैं खुद। कौन से ऑफिस में आप? सर मेरा खुद का सीए का ऑफिस है। तो ऑफिस तो आपको सरकार की गाइडलाइन नहीं पता है कि ऑफिस कितने बजे खुलेगा या क्या होगा? सही है सर। तो बिना हेलमेट क्या है आपका? सर हेलमेट एक्चुअली मैं भूल गया था ना। नहीं तो हेलमेट तो आपको लगाना चाहिए, आपको गलती माननी चाहिए कि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा और आप बार बार मुझे इंसिस्ट कर रहे हो। सर ठीक है, मैं कोई बात नहीं करूंगा। आपके लिए ठीक रहेगा सर, मेरे लिए आप मेरे को मेरी ड्यूटी करना मुझे अच्छी तरह पता है। तो बात कर लो सर। आप क्या शब्द क्या कहा आपने? मैंने कहा आपके लिए ठीक रहेगा। अच्छा, मेरे लिए ठीक रहेगा जी सर। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका, बताइए नाम? कुछ नहीं। पिताजी का नाम बताइए। सर ये मैं साहित्य करूंगा नहीं। अरे आप अपना नाम बताइए, आप मेरे को ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ठीक रहेगा। मेरे लिए तो जो ठीक रहेगा वो ठीक रहेगा, आप बताइए ना। आपको पता है अगर नाम पता नहीं बताना भी कानून का उल्लंघन करना है। वो ठीक है। जैन। आपकी एज क्या है? 30। एड्रेस क्या आपका? मंडोर एस एस साहब से ही तो बात कर रहा हूँ। अरे आप जो छोड़िए मेरे को, आप अपना नाम पता बताइए। नाम पता नहीं बताना भी, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कागज नहीं होंगे तो आप नंगे पैरों जाएंगे यहाँ से, पैदल जाएंगे आप। मैं कह रहा हूँ आप अपना चालान भारी पड़ेगा, चालान मत करिए आप, बात कर लीजिए सर। मैं कर लूंगा बात। हाँ, बहुत जोरदार आदमी मिले मुझे तो कि आप मुझे नौकरी करना सिखा रहे हैं। और मेरा नौकरी करना नहीं, तो आपको कह रहा हूँ बात कर लेना। तो आप बात तब तो करूँ तब आप ये कोई बात हो कि भाई आपके इमरजेंसी है या कोई है। आप तो इस तरह आ रहे हैं जैसे कोई बॉम्बे से शूटिंग करके आ रहे हैं। लिखे गाड़ी के कागज सर? गाड़ी दूसरों की है, बता तो रहा हूँ सर। आपका डीएल? मेरा डीएल बना हुआ ही नहीं है सर। कोई कागज नहीं आपके पास? करिए 207 में बंद करिए गाड़ी। सर मत करिए आप, ठीक रहेगा। चाबी दीजिए।
चाबी दीजिए, मुझे चाबी दीजिए, चाबी देना सर। मुझे नहीं करता सर, मैं साला साइन। चले आप इसमें लिख दीजिए, एक तो साइन करने से मना किया, लिखो आप साइन करने से मना किया। ये भी लिखिए, इनका व्यवहार अमर्यादित था। सर ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं आपको कि अमर्यादित व्यवहार, इनका व्यवहार अमर्यादित था। इन्होंने कहा कि आपको ये चालान करना भारी पड़ जाएगा। नहीं, चाबी दीजिए। अरे महावीर, कोई अपना कांस्टेबल कौन है थाने का? है? अरे इसको थाने पे खड़े करके आओगे, जाओ। नंबर नोट कर लिया आपने गाड़ी? चालान, नंबर लिख दीजिए। चालान की कॉपी तो देंगे? हाँ, मैं चालान की कॉपी दूंगा बाकायदा आपको। ये आपका मोबाइल पकड़िए एक तो। और भाई साहब, शुक्र करके सरकार ने नौकरी दी है, नौकरी करना मुझे आता है, किस तरह करनी है नहीं करनी है मुझे मत सिखाइए कि आप मुझे क्या करना, और कानून की पालना करिए। ये लिख दिया इसमें इन्होंने साइन करने से मना। लिख दिया सर साइन करने से। अब आप ये भी ध्यान रखिए, जो आपने शब्द प्रयोग किए हैं ये भी मैं आपके खिलाफ इसकी कानूनी कार्रवाई करूंगा। पकड़िए, और जो आपने शब्द यूज किए ना, इसके भी कानून में प्रावधान है कि आपके खिलाफ। सर कानून मत सिखाइए ज्यादा, और ये चालान ना आपको बहुत भारी पड़ेगा, अभी बता रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंतजार करूँ, गाड़ी लेके जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं, लेके जाइएगा। वापिस से कह रहा हूँ, चालान भारी पड़ेगा। आप एक तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और बार बार ये मेरे को मेरी नौकरी करना भी आप सिखा रहे हैं। सर बात कर लो, अभी भी आपसे कह रहा हूँ ठीक रहेगा, ये चालान भारी पड़ेगा आपको। अच्छा, आपका अगर मैं चालान करूंगा तो मेरे लिए भारी पड़ेगा? चालान भारी पड़ जाएगा। अच्छा, सर, मतलब नहीं है। और मैं आपको चाह रहा हूँ सर, तो आपने तो ये पुलिस का लोगो भी लगा रखा है ना, हेलमेट लगा रखी है, और लॉकडाउन भी लग रहा है। अरे सर, आप एक बार बात तो करिए, बात करने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? और बात करोगे तो पता चल जाएगा कि मास्क क्यों नहीं पहन रखा है, हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा है। और सर रहने दो, चालान भारी पड़ जाएगा। और बता दूं सर, कुछ नहीं रखा है इन मास्क में और हेलमेटों में। साइड में लीजिए, आपके पीछे ट्रैफिक को हो रहा है, देखिए। या गाड़ी से उतरिए, फोन बाद में आप यूज लें। सर बात तो कर लो एक बार। तो आप पहले गाड़ी से उतरिए तो सही, आपने पुलिस का लोगो लगा रखा है और आप। अरे सर, मिलने वाले की गाड़ी तो है। मिलने वाले की गाड़ी है। आप ये तो बताइए कि आप आ कहां से रहे हैं, और बिना हेलमेट? सर मैं ऑफिस से आ रहा हूं सर। तो ऑफिस से आ रहे हैं तो आपको किसी ने परमिटेड कर रखा है क्या कि आप बिना हेलमेट के आएंगे? सर लेट हो गया था मैं, इसलिए ऑफिस से आ रहा हूं। आप बात कर लो सर। नहीं, बात किससे कर लो? आप बात तो करो। चलो आप तो कागज निकालिए, मैं बात कर लूंगा। आप कागज निकालिए पहले। सर एक मिनट बात करना। अरे भाई साहब, आप कागज। सर बात तो आप एक बार रखिए। सर बात कर लो, मैं कह रहा हूं आप इसको रखिए। दरअसल इन दिनों लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस सड़कों पर और चौराहों पर मुस्तैदी से चेकिंग अभियान चला रही है, और लोगों को जागरूक कर रही है कि वो अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। लेकिन आज के दौर की नई पीढ़ी किसी भी कानून का पालन या किसी भी आदेश को नज़रअंदाज कर देती है, और नियमों का उल्लंघन करते हुए रोड पर गेड़ी मारते हुए नज़र आती है, या आपके गली मोहल्लों में भी आपको नज़र आ जाएगा। ऐसे ही बिगड़ैल युवकों और कानून के लापरवाह व्यक्तियों को सबक सिखाने के लिए राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने ये वीडियो बनाया है। इस वायरल वीडियो की सच्चाई ये है दोस्तों कि ये वीडियो एक काल्पनिक है, यानी एक मैसेज देने के लिए पुलिस के द्वारा बनाई गई है। ये वीडियो जाबाज खाकी सलाम खाकी वेब सीरीज का एक हिस्सा है, और वीडियो में दिख रहा युवक पहले भी पुलिस के सहयोग में काम कर चुका है। इस वेब सीरीज के जरिए जोधपुर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। इस वीडियो के जरिए पुलिस यह संदेश आम जन तक पहुंचाना चाहती है कि अगर आप सड़कों पर या रोड पर बेवजह निकलते हैं और पकड़े जाते हैं तो आप पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी, फिर चाहे आपके चाचा विधायक हो या आपके ताऊ एमपी। लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा इस वीडियो को गलत तथ्य के आधार पर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, और जोधपुर पुलिस को भी इसको लेकर ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूज़र कहीं युवक के व्यवहार को गलत बता रहे तो कहीं पुलिस को भी कुछ ना कुछ सुनाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हालांकि जब जोधपुर पुलिस को इस बात का पता चला तो जोधपुर पुलिस ने ट्वीट कर इस भ्रामक खबर को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। जोधपुर पुलिस ने ट्वीट कर लिखा, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर भ्रामक एवं गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है। ये वीडियो पुलिस विभाग द्वारा ही आमजन में जागरूकता के लिए बनाई गई
जाबाज खाकी सलाम खाकी वेब सीरीज का हिस्सा है। ऐसे भ्रामक वीडियो को पोस्ट करने वालों के खिलाफ और शेयर करने वालों के खिलाफ अति शीघ्र कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि बिना सत्यता जाने किसी भी पोस्ट को अनावश्यक रूप से शेयर न करें। तो दोस्तों, ये वो ट्वीट है जो राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने ट्वीट किया है। खैर दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और इस खबर को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो बिना सच्चाई जाने किसी भी वीडियो को शेयर करने से नहीं चूकते, क्योंकि ऐसे लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है जो भ्रामक खबरों को फैलाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।